वापस मुद्दे पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि जिस हाव भाव से प्रधानमंत्री ने माफी मांगी उससे अहंकार झलक रहा था। सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है कि सावरकर को सॉरी वर्कर या माफी वीर बोलने के लिए तो माफी भी नहीं मांगी गई। एक बार आपको सुना देती हूं कि क्या बोला था राहुल जी ने महाराष्ट्र में रह करके सावरकर जी के बारे में, सुनते हैं। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। 2019 में सुरेंद्र राजपूत जी जब राहुल गांधी ने ये बोला था महाराष्ट्र में, तो ऐसी खबरें छपी थी कि उद्धव ठाकरे नाराज हुए थे, उनको बैक चैनल से बोला गया कि ऐसी टिप्पणियां ना करें। 2023 में हमारे ही सवाल पे उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि मेरा नाम गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, कि मैं माफी मांग लूं। दो चीजें पद्मजा जी बहुत स्पष्ट है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा उसका कोर्ट में बात चल रही है, कोर्ट की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। क्या नाम सावरकर जी के पोते ने एक केस कर रखा है। एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जिस दिन से बात हमारे गठबंधन में महाविकास अगाड़ी में हो गई, उस दिन के बाद ना राहुल गांधी जी ने ना कांग्रेस के किसी वर्कर ने इस तरीके की कोई बात कही, और जो मुद्दा हम लोग आपस में बातचीत करके दफन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ अपनी माफी को जायज ठहराने के लिए उस मुद्दे को जो उधाड़ना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता फिर से सब समझती है। और महाराष्ट्र की जनता को जो आज अजय आलोक जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में तलवे चाटने वाला बताया है, इसका भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं इतना ही कह सकता। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक, ये मुद्दा खत्म हो चुका है, अब उसको अपनी कमियां छुपाने के लिए दोबारा मत जीवित कीजिए। हम तो अपनी कमी मान के हमने माफी मांगी, हमें कोई इसमें इतना शर्म आएगी ना, इसमें कोई हया है। मूर्तिगिरी हमारी कमी थी, ठीक भी हम ही करवाएंगे, उससे भी भव्य लगवाएंगे, और जो जो इसके जिम्मेदार हैं वो जेल जाना शुरू हो चुके हैं, जेल जाएंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत को आपके चैनल से, कांग्रेस पार्टी को, सब बात उनकी मान गया कि लोग आपस में वैसे बात नहीं करते। मराठी मानुष की अस्मिता की बात, वीर सावरकर इस देश की शान हैं, बोले सुरेंद्र राजपूत, बोले नहीं तो मराठी मानुष की अस्मिता यहीं खत्म होती है। वीर सावरकर इस देश की शान हैं, और सुरेंद्र राजपूत अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किशोर तिवारी क्या बोलते हैं पता चल जाएगा, कितने मराठी मानुष की अस्मिता का इनको चिंता है। बोलिए, हिम्मत बोलता हूँ, बोलिए वीर सावरकर इस देश की शान हैं। हाँ, बोलिए जरा सुरेंद्र राजपूत, हिम्मत है, बोलिए हिम्मत है, बोलिए, बस ये बोलिए ना, वीर सावरकर इस देश की शान है। बोल देते, अरे 1909 से पहले के वीर सावरकर पूरी तरीके से देश की आन बान शान थे, मैं आज बोल रहा हूं, संग्राम सेनानी थे। और बाकायदा चुप रह करके सुनिए अशोक कैलब, आ जाए आलोक, बीच में मत बोलिए पकड़। क्यों चुप कर रखे, सुनो आपका सवाल कीजिए तो जवाब। कौन है आप जो चुप रखे, सुनो आपकी बात, पढ़े लिखे कौन है आप जो आपकी बात चुप रखे, सुनो बोल रहा हूं, हिम्मत है तो बोलिए ना, वीर सावरकर भाई तो क्यों आप मुझसे सवाल का जवाब क्यों ले रहे हैं? गौरव भाटिया नहीं बनता हूं मैं, मैंने कहा तो आपसे जवाब दिया ना, मैंने आपको, मैंने जवाब दिया ना आपको, आपको जरूरत नहीं है, बात नहीं जवाब दिया, आप पूरी सुप्रिया सुनेत हम नहीं बन रहे, आप जान लीजिए सुप्रिया सुनेत तो आप जैसे हो भी नहीं सकते। बात है, बोलिए पद्मजा जी, पद्मजा जी मैं जवाब दे रहा हूँ और अजय आलोक से कहिए चुप रहकर सुनिए, जवाब सुन लेते हैं अजय जी, फिर बताया ना आपके पास आऊंगी, पूरा जवाब सुनते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम क्या है, इतिहास जानते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 1909 से पहले के जो वीर सावरकर थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, नंबर एक। नंबर दो, उनके लिए जो पेंशन थी वो कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कराई। नंबर तीन, उनके ऊपर डाक टिकट इंदिरा गांधी जी ने कराया। नंबर चार, उनको जिस तरीके से भीड़ ने जब घेरा था तो बाकायदा
जवाहरलाल नेहरू जी ने सेना भेज करके, पुलिस फोर्स भेज करके उनको बचाया था। अब भारतीय जनता पार्टी वाले एक छोटी सी बात का जवाब दे दें कि वीर सावरकर साहब 67 तक जिंदा रहे, 63 या 67 तक जिंदा रहे, कोई एक कार्यक्रम जनसंघ का और कोई एक कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी वाले दिखा दें जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को बुलाया हो। खुद वीर सावरकर को गाली देने वाली आरएसएस और वीर सावरकर को गाली देने वाला जनसंघ, जिसके जो जो भारतीय जनता पार्टी का पितृपुरुष है, वो आज हमसे पूछ रहा है। हमने तो इतने काम किए सावरकर के लिए, लेकिन आपने क्या किया? आज तक बता दीजिए सावरकर 63 तक जिंदा रहे, सावरकर को एक 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 पक्ष में अगर आपने क्या नाम बुलाया हो तो। और ये किशोर जी से भी पूछ लीजिए, और अजय आलोक अगर आपको तो ना पता हो अपने पितृपुरुषों से पढ़ करके। किशोर तिवारी, आप 1909 वाले वीर सावरकर को मानते हैं अपना आराध्य या 2024 के वीर सावरकर को, बताइए। अरे जरा जवाब दे दूं, बताइए बताइए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भाजपा अतीत में जी रही है क्योंकि वर्तमान में बात करने में उन्हें तो मैंने 1909 की बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कही कि 1909 के वीर सावरकर को हम मानते हैं, वो थे आराध्य, वो थे देश की शान। 2024 में कौन से वीर सावरकर को आप पूछते हैं? ए देखो पद्मजा जी, वीर सावरकर जी ये स्वर्गीय हो गए और राजीव गांधी भी स्वर्गीय हो चुके, तो हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि उस पर 2024 में वीर सावरकर क्या देश की शान है? 2024 के वीर सावरकर देश की शान है क्या? देखो, महाराष्ट्र के अंदर सावरकर को आराध्य मानते हैं और शिवाजी महाराज के और 58 के स्वतंत्र संग्राम को इतिहास बनाने वाले वो है